सर प्लीज सर मैं एक कविता से शुरू करता हूँ। सर आपकी कविता बड़ी गंभीर होती है। नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले आपने ऐसी कविता पढ़ दी नहीं, कि नहीं, पूरे देश में मेरे को लोग पूछने लगे। नहीं, 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 आपके लिए ऐसा मौसम आएगा सदा सताएगा। नहीं मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसी के लिए ये इस बिल के ऊपर ही बोलूंगा। ठीक है। कोमल है तू कमजोर नहीं महिला, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया गया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया गया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी हुई, जग में अब तक जारी है, जग में अब तक ये सारी चीजें जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। तो इसीलिए इस शक्ति को और हम बढ़ावा दे रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी सपोर्ट में सभी ने बात किया। सर मैं बहुत से पहले से बहुत आंकड़े भी लाया था लेकिन समय की कमी रहने से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट बताया अपने क्या क्या अचीवमेंट हो गए, वहाँ पर होम मिनिस्टर बताए अपने लोकसभा में, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बताए, लेकिन हमने क्या किया वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि ये बिल स्पेशल है, महिलाओं के लिए है, स्त्री शक्ति के लिए है, इसीलिए इसमें मैं डेवलपमेंट लाकर मिक्स करके उसको खराब करना नहीं चाहता था। क्योंकि बात किधर की हो रही है और बिल के ऊपर होना चाहिए और जल्दी पास होता था, लेकिन उन्होंने ये किया, गैस दिया, रोड दिया, फलाना, सब चीजें आ गई। अब ठीक है, उनको बोलना था वो बोल सकते हैं, लेकिन सभापति महोदय जी मेरे को एक ऑब्जेक्शन इसमें है। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी, मतलब महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्त रखी गई है, 1 जनगणना है, 2 डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है ये तो चुनावी जुमले हैं, बोले ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, सवाल ये है,
महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए यहाँ पर, आपको मालूम है लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे, लेकिन नहीं किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे एक साल दो साल बैठे थे हर जगह उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से, मैं पूछता हूं अगर आप ये कर सकते हैं दूसरे कानून एक साल में नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं आप, क्या बोल क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1,000 और 500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा, तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा। ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते लेकिन ये बिल सब मान रहे, इसको कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे, तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, इस देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है, अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं नंबर्स हैं उसी पे करिए, जब बढ़ जाएगा सेंसस आएगा फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपसे ये पुराने नहीं नहीं पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाए, लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले, तो मैं कहूँगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में दूसरी चीज ये जो है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ये तो एससी एसटी के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है उसमें से 110 या 30 सीट है एससी एसटी का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से, लेकिन ओबीसी मोर देन 60% लोग हैं उन